आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए क्वेश्चन दिया गया, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा के लिए हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। सबसे पहले मैं यह टेबल बना रहा हूँ, देखिएगा। इसमें एज लिखेंगे, फिर आपका एज को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करूंगा मैं, एज इन ईयर्स या क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्लास इंटरवल कैसे फाइंड आउट होगा? देखिए क्लास इंटरवल में जो एज आप यहाँ लिख रहे हो, एज का एक इंटरवल दिया हुआ जैसे 0 से 5, तो क्लास इंटरवल क्या आएगा, 0 5 को ऐड करके अपॉन 2 कर दीजिए, 2.5 आ गया। फिर 5 से 10 दोनों को जोड़ेंगे और अपॉन 2 कर देंगे, यानी 15 अपॉन 2, 7.5। 10 से 15, 15 से 20, 10 से 15 दोनों को जोड़ेंगे अपॉन 2, 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2, तो ये आ गया 25 अपॉन 2 है। 25 को आपने 2 से डिवाइड किया तो हाँ जी सही है, 22.5 ही आएगा। और फिर इसके बाद 15 से 20 जब आप ऐड करोगे 35 अपॉन 2 आएगा, यानी कि 35 अपॉन 2, 17.5। सॉरी यहाँ मैं गलत लिख गया था, ये 25 अपॉन 2 है, 25 अपॉन 2, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 2 1 2 2 2 4, 12.5 आएगा। सॉरी फॉर दैट, बस सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए 5 5 ऐड हो रहा है। फिर 20 से 25 फिर आप 5 ही ऐड करोगे, 45 है, 45 का हाफ कर दो, ठीक है, और ये आ जाएगा 22.5। फिर 20 से 25 भी हो गया, यहां मैं लिख सकता हूं एज क्लास इंटरवल और यहां हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखिए दी हुई है 6, फिर 8, फिर 7, फिर 9 दी हुई है और फिर 4, ये फ्रीक्वेंसी है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी होगी, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। दोनों हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इधर क्लास इंटरवल चलेगा और इधर वाई एक्सिस में आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास इंटरवल और वर्टिकली फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से, ठीक है। देखिए यहां मैं एज जैसे कि दिया हुआ 0.0 से 5, यानी कि 2.5 इंटरवल में फ्रीक्वेंसी 6 लिखूंगा, तो यार 2.5 लिखेंगे सबसे पहले, जैसे ये 0 है, फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जाइए, 1 2 3 इस तरीके से आगे बढ़ना है, और कहां तक जाना है हमें, 22.5 तक, इस तरीके से सेम डिस्टेंस पे ले लिया सभी को मैंने। और वर्टिकली हमें किसको लेना है, वर्टिकली 6 8 7 9 4, ये देखिए हाईएस्ट 9 तक है, तो इसको तो आप नंबरिंग ऐसे ही कर सकते हो, 1 से स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और यहां नंबरिंग कैसे होगी, जैसे 2.5, जैसे पहले 5 ले लीजिए, 0 से 5 ले लीजिए, 2.5 बिल्कुल मिडिल में आएगा, फिर 7.5 है, देखिए 5 5 ही ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप 5 5 का गैप ले रहे हो तो इसको आप 2.5 ले लीजिए, और फिर ये फिर 5 ऐड होगा तो 7.5 आएगा। स्टार्टिंग आप ध्यान रखिए कि ये गैप 5 का है, और स्टार्टिंग में 0.0 से 2.5 जब आप जा रहे हो तो उसको थोड़ा नजदीक यहाँ पे लीजिए आप, उसको थोड़ा पास में ही लेंगे, यानी कि आप कह सकते हो कि ये इसके ओरिजिन के हाफ में होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 है तो ये थोड़ा नजदीक बनाइए आप इसको, 0 और 5 के मिडल में बनाना है, यानी कि ये 2.5 है, ये 7.5 होगा, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाइए, 12.5 है, फिर इसके बाद आपका 17.5 और फिर आएगा 22.5। अब मैं इसको डॉट को अच्छे से फॉर्म करता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा
एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और ग्राफ भी हमारा फिर एग्जैक्ट बन जाएगा। ये 12.5 है, ये 5 डिस्टेंस है, आप ये मान के चलिए ये 5 डिस्टेंस है, और फिर 12.5 के बाद ये भी डिस्टेंस 5 होगी, और फिर ये डिस्टेंस भी 5 होगी। ओके, ये आ गया 17.5 और ये 22.5, नॉट फाइन। और अब हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो है, पहले 6 आई है तो 2.5 के ऊपर 6, यानी कि ये हमारी वैल्यू आएगी 2.5 के ऊपर 6 ये। फिर 7.5 के ऊपर 8, 7.5 के ऊपर 8 वैल्यू। फिर इसके बाद 12.5 के ऊपर 7, 12.5 और इसके ऊपर वैल्यू 7, 17.5 के ऊपर 9, 17.5 9, 22.5 के ऊपर 4, 22.5 के ऊपर 4 वैल्यू। तो ये 22.5 है और यहाँ 4, ठीक है। चलिए अब आप इनको ज्वाइन करिए, ये आपने इसको ज्वाइन किया, फिर इसको कनेक्ट किया, ये कनेक्ट हुआ और फिर ये कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी, ये हमारा शेप बन गया पॉलीगन, और इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ, ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।